आखिर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को विभाग मिल ही गए। जैसा कि माना जा रहा था कि सबसे बड़े रुतबेदार मंत्री का पद नरोत्तम मिश्रा, जो डिप्टी सीएम होने वाले थे और फ्यूचर के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्हें गृह विभाग, जेल और संसदीय कार्य, गोपाल भार्गव, पीडब्ल्यूडी एवं ग्राम उद्योग, भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन, विजय शाह वन, तुलसी सिलावट जल संसाधन एवं मत्स्य विभाग, महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जगदीश देवड़ा वाणिज्य कर वित्त योजना एवं आर्थिक, बिसाहूलाल सिंह खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ब्रजेंद्र सिंह खनिज संसाधन एवं श्रम, मोहन यादव उच्च शिक्षा, कमल पटेल कृषि, उनके पास कृषि मंत्रालय बरकरार है, गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व और परिवहन, जो इसके पहले वाली सरकार में परिवहन था वो भी गोविंद सिंह राजपूत को मिला है, इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा स्वतंत्र, इमरती देवी जी हाँ जो मंत्री पिछली सरकार में महिला एवं बाल विकास थी वो भी बरकरार है, विश्वास सारंग को चिकित्सा शिक्षा, गैस राहत एवं धर्मस्व, यशोधर राजे सिंधिया खेल एवं युवक कल्याण एवं कौशल विकास रोजगार, एंदल सिंह कंसाना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, प्रभुराम चौधरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सुश्री मीना सिंह आदिम जाति कल्याण, हरदीप सिंह डंक नवीन एवं ऊर्जा नवकरणीय ऊर्जा, जी हाँ मंदसौर जिले के जो ये विधायक हैं इन्होंने ही सबसे पहले कमलनाथ सरकार पर सवाल उठाए थे, प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा, प्रेम सिंह पटेल पशुपालन एवं सामाजिक न्याय, सुश्री उषा ठाकुर इंदौर से ताल्लुक रखती हैं, पर्यटन संस्कृति एवं अध्यात्म, जी हाँ अरविंद सिंह भदौरिया सहकारिता एवं लोक प्रबंधन, ओम प्रकाश सकलेसा सूक्ष्म लघु उद्योग, राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन निवेश, इसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं गिरिराज दंडोतिया कृषि राज्य मंत्री, राम खेलावन पटेल पिछड़ा वर्ग कल्याण, सुरेश धाकड़ पीडब्ल्यूडी, ओपीएस भदौरिया नगरी विकास, रामकिशोर कांवरे आयुष स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन, ब्रजेंद्र सिंह यादव को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भरत सिंह कुशवाहा ये भी राज्य मंत्री हैं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण नर्मदा घाटी विकास, मतलब विभाग बढ़ गए, सरकार का कामकाज शुरू हो गया, कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। अब देखते हैं कांग्रेस इस मामले में क्या रुख अख्तियार करती है, क्योंकि उनके एक विधायक भी उनका साथ छोड़कर चले गए हैं।